हिमाचल सरकार द्वारा बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ की पंचायतों व नगर परिषदों को खत्म करके नगर निगम बनाने को लेकर दून के पूर्व विधायक राम कुमार द्वारा विरोध करने पर दून विधानसभा क्षेत्र में सुस्त पड़ी राजनीति फिर से गर्मानी शुरू हो गई। चौधरी राम कुमार का कहना है कि बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ की पंचायतों व नगर परिषदों को नगर निगम में शामिल करने से क्षेत्र में बेरोजगारी के अलावा क्षेत्र के लोगों को अतिरिक्त टैक्स का बोझ भी पड़ेगा और क्षेत्र के लोगों के साथ नगर निगम के गठन के नाम पर छलावा किया जाएगा। 6 अगस्त 2020 को डॉक्टर यूडी ने शुल्क को डाला है, जिसमें बीबीएन की दो नगर परिषद नालागढ़ और बद्दी और यहाँ की तमाम पंचायतें जो लगभग 30-35 किलोमीटर का लंबा एरिया बनता है को नगर काउंसिल की जगह, नगर परिषद की जगह जो है वो नगर निगम बनाने की प्रस्तावना जो है की है, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि नगर निगम बनने से यहाँ पे लोगों, क्योंकि हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं उनको पशु रखने में दिक्कत आएगी, वो पशु नहीं रख सकेंगे। और मनरेगा के तहत जिन जिम्मेदारों को, जिन बेरोजगारों को पंचायतों में रोजगार मिल रहा है, उनका जो रोजगार छिन जाएगा। पानी के बिल जो है वो आने शुरू हो जाएंगे और उसके अलावा हाउस टैक्स जैसा भारी भरकम भार जो है वो लोगों पर पड़ेगा। तो मेरी सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ कि इस फैसले को पुनर्विचार करते हुए, हमारे जो पंचायत इलेक्शन है वो भी सिर पे हैं, पंचायत के जनप्रतिनिधियों को जो है उसमें कॉन्फ्रेंस में लिया जाए, पंचायत की एनओसी में लिए जाएँ। और इतना लंबा एरिया जो है वो नगर निगम नहीं संभाल सकती है, यहाँ पे प्रशासनिक राज हो जाएगा, लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा। तो मैं जो है मैं चाहता हूँ कि सरकार इसमें रायशुमारी करे, जनप्रतिनिधियों को और सारी सभी जो हमारी पार्टी हैं उनको कॉन्फ्रेंस में लेके इस बात को आगे बढ़ाए और हमारी तमाम जनता, हमारे तमाम प्रधान जो है उसका विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद। और मैं समझता हूँ ये कार्य जो है वो स्थानीय विधायक परमजीत सिंह पम्मी की राय से हो रहा है। हमारे लोगों को जो उनका मुख्य रोजगार दूध बेचना है, मुख्य रोजगार पशुपालन है, नगर निगम बढ़ने से उनका ये धंधा जो है बिल्कुल चौपट हो जाएगा और इसके सरासर जिम्मेवारी जो है विधायक की बनती है। विधायक भी अपनी स्थिति स्पष्ट करें। मुझे तो लगता है कि विधायक की प्रस्तावना पे ही सरकार ने ऐसी जो है प्रपोजल तैयार की है, तो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, सरकार इस पर पुनर्विचार।